जादुई घोड़े का खिलौना। एक नगर में विनित नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। विनित सातवीं कक्षा में पढ़ता था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। विनित के पिता की खिलौने की दुकान थी। एक दिन विनित अपने पिता के साथ उनकी दुकान पर जाता है, जहां उसकी नजर एक घोड़े के खिलौने पर पड़ती है। अरे वाह, कितना सुंदर खिलौना है, काश मैं इसे घर ले जा पाता। विनित खिलौने को वापस उसकी जगह पर रख देता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी खिलौने की ओर जाता है। पापा पापा, ये खिलौना आप कहाँ से लाए? ये तो मैं हाँ याद आया, पिछली बार जब मैं गांव गया था तुम्हारे दादा दादी से मिलने, तो वहीं तुम्हारे दादाजी ने दिया था और उन्होंने ये तुम्हें ही देने के लिए कहा था, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं इसे दुकान पर ले आया, लेकिन इसके बाद भी ये मुझे कहीं नहीं दिखा और आज तुमने इसे ढूंढ लिया। पापा, अगर ये दादी जी ने मेरे लिए ही भेजा था तो क्या मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊं? बिल्कुल बेटा, ये तो तुम्हारे लिए ही है। विनित खुशी खुशी उस घोड़े के खिलौने को घर ले आता है। वो उसे अपने कमरे में अपने पलंग के पास रखी मेज पर रख देता है। रात को जब विनित खाना खाकर सोने लगता है तो अचानक उसे आवाज आती है। अकेले अकेले खाना खाकर आ गए, अपने दोस्त को तो खिलाया ही नहीं। विनित इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। विनित बहुत डर जाता है। कौन है यहाँ? अरे यार डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त ही तो हूँ। दोस्त? कौन दोस्त? सामने क्यों नहीं आते, दिखाई क्यों नहीं देते? लो, अभी आया तुम्हारे सामने। इतना कहते ही वो खिलौना घोड़ा सचमुच के घोड़े में बदल जाता है। लो, आ गया मैं सामने। कैसे हो मेरे नए दोस्त? तुम? अरे ये क्या तुम लगा रखा है? मैं हूँ हीरा, तुम्हारा नया दोस्त। स्वागत नहीं करोगे हमारा? विनित के कमरे से आवाज सुनकर विनित की मम्मी वहाँ आ जाती है। विनित, किसी से बात कर रहे हो इस समय? कौन है यहाँ? कोई भी नहीं मम्मी। जैसे ही मम्मी कमरे में आती है, घोड़ा वापस से खिलौना घोड़ा बन जाता है। मम्मी यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर आवाज किसकी आ रही थी? वो मम्मी बाहर से कहीं से आ रही होगी, और आपको लगा मैं हूँ, मैं तो सो रहा था। ठीक है, तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। मम्मी के जाने के बाद खिलौना घोड़ा फिर से सचमुच का घोड़ा बन जाता है। दोस्त, ये तुमने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया मैंने? अकेले अकेले जाकर खाना खा लिया, ये भी नहीं सोचा तुम्हारा नया दोस्त भी भूखा होगा। अरे लेकिन खिलौने को भूख कहाँ लगती है? तुम्हारे सामने ये जिंदा घोड़ा बैठा है, इसे तो भूख लगती है। अच्छा ठीक है, पहले घर वालों को सोने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। घर वालों के सो जाने के बाद विनित और उसका घोड़ा दोस्त कमरे से बाहर आते हैं। रसोई घर में कुछ खाने को ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता, तो विनित बिस्किट्स और नमकीन हैरी को खाने के लिए देता है। घोड़ा मजे से सब खाता है। उसका पानी पीने का मन करता है तो वो फ्रिज की ओर अपना हाथ करके घुमाता है और कहता है पानी दो। इतना कहते ही फ्रिज में से पानी की बोतल खुद निकलकर घोड़े की ओर बढ़ने लगती है। विनित को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता और वो अपनी आँखें मलने लगता है। अगले दिन विनित उस खिलौने घोड़े को अपने बैग में रखकर स्कूल ले जाता है। स्कूल में आधी छुट्टी के समय विनित अपने दोस्त अमन के साथ भोजन करने लगता है। अमन के लंच में काले चने की चाट थी, जिसे देखकर खिलौने घोड़े के मुंह में पानी आ जाता है। वो अमन का लंच अपनी ओर खींचने लगता है। अरे अरे अरे, ये मेरा लंच कहाँ जा रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? विनित खिलौने घोड़े की ओर देखता है, जो लंच को अपनी ओर खींच रहा था। विनित उसे इशारे से रुकने को कहता है। छुट्टी के बाद जब विनित घर की ओर चलने लगता है, वो खिलौने घोड़े को अपने हाथ में पकड़ लेता है। खिलौना घोड़ा असल घोड़े में बदल जाता है और विनित से बातें करते हुए घर की ओर जाता है। सब लोग विनित की ओर हैरानी से देखने लगते हैं और सभी उसे पागल समझने लगते हैं,
क्योंकि किसी को भी घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, वो केवल विनित को ही दिखाई देता था। सबको लगता है कि विनित पागल है जो खुद से ही बातें करता चला जा रहा है। एक रात विनित के घर चोर घुस आते हैं। घर के सभी लोग चैन की नींद सो रहे थे। किसी को भी चोरों के घर में घुसने की आहट नहीं होती, लेकिन घोड़ों को किसी के चुपके से घर में घुसने का अंदेशा हो जाता है और वो चोरों का पीछा करके उन्हें डराने लगता है। क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या ढूंढ रहे हो? यार, लगता है यहाँ कोई भूत है। किसी की आवाज आ रही है पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चल यहाँ से चलते हैं। अबे पागल है क्या? भूत भूत कुछ नहीं होते। जिस काम के लिए आए थे जल्दी से उसे पूरा करके यहाँ से निकलते हैं। किस काम के लिए आए थे तुम लोग? हमने तो किसी को नहीं बुलाया था। और ऐसा क्या काम है जो तुम आधी रात को करने आए थे? कौन है बे? सामने आओ। घोड़ा चोरों के सामने आता है तो पहले तो चोर डर जाते हैं। अरे ये तो घोड़ा है। लेकिन ये बोल कैसे सकता है? और जब हम इस घर में घुसे थे तो ये घोड़ा तो हमने देखा ही नहीं था। एक काम करते हैं, इस घोड़े को भी साथ ले चलते हैं, इसे बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। चोरों की बात सुनकर घोड़ा उन्हें डराने के लिए एकदम गायब हो जाता है। अरे ये कहाँ गया? वो घोड़ा अभी तो यहीं था, अचानक कहाँ गायब हो गया? मैंने कहा था ना कि यहाँ जरूर कोई भूत है। तभी घोड़ा भूत बनकर अचानक चोरों के सामने आ जाता है। सही पकड़े हैं, मैं भूत ही तो हूँ जो किसी भी रूप में आ सकता हूँ और तुम्हें खा सकता हूँ। दोनों चोरों की डर के मारे हालत पतली होने लगती है और दोनों जोर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। चोरों की आवाज सुनकर घर के लोग जाग जाते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। भाई साहब, हमें पुलिस के हवाले कर दो। हम आपके घर चोरी करने आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था आपके घर भूत है। वो भूत हमें मार डालेगा। कृपया हमें पुलिस के हवाले कर दो। भूत? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? और दिखाओ तुमने क्या क्या चुराया है हमारे घर से। सारा सामान बाहर निकालो, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ 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 भाई साहब, आप पुलिस को बुला लो, हमें जेल भिजवा दो, आपका सारा सामान भी ले लो, लेकिन हमें इस भूत से बचा लो। लगता है तुम्हें पुलिस से पागलों के डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है जो भूत भूत करे जा रहे हो। भाई साहब, आप चाहे तो हमें पुलिस स्टेशन भेजो या पागल खाने, बस इस घर से बाहर निकाल दो, हम पर रहम करो। कुछ ही देर में पुलिस चोरों को पकड़ कर ले जाती है। विनित के माता पिता अभी तक चोरों के बात को लेकर बहुत हैरान परेशान थे। विनित अपने कमरे में जाता है और अपने जादुई खिलौने घोड़े को गले लगा लेता है। शुक्रिया दोस्त, आज तुमने हमारे घर का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। खिलौना घोड़ा भी विनित के गले लग जाता है और वो हमेशा विनित के साथ रहता है और उसे हर कदम पर हर मुसीबत से बचाता है।